फ्रेश खरीदारी से बचें और नई खरीदारी थोड़ा नीचे आए तब खरीदें, आपके लिए ये ज्यादा ठीक होगा। आइए भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, स्वागत करते हैं भसीन साहब का। बहुत बहुत स्वागत है भसीन साहब का, गुड मॉर्निंग सर। बताएं पहले तो एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पर आपका व्यू और अपडेट्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो आपको ये लिस्टिंग से ही पता लगना चाहिए कि कितना पैसा वेट कर रहा है टू बाय दिस डिप। इस कारण से ज्यादा अखबार में और सुर्खियों में मत जाइए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। मेरे हिसाब से एक्सपायरी 11700 के पास होगी अगले तीन दिन में, एंड आई थिंक बैंक्स आर गोइंग टू लीड द वे इन द सेंस ऑफ पुल बैक। 1000 पॉइंट की तेजी मुझे बैंक निफ्टी में दिखती है, 23 से 23,500। सिंपल रीजन है सर, कॉर्पोरेट बैंक्स आर सेइंग देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम कॉर्पोरेट। इनफैक्ट स्टेट बैंक हैज रीइंस्टेटेड के नो रोल ओवर हैज कम फ्रॉम कॉर्पोरेट। तो आई थिंक द पेसिमिज्म एक ग्लोबल फैक्टर की वजह से है। साथ में आई थिंक द डाओ एंड नैसडैक्स आर नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी स्मार्ट पुल बैक दिस वीक। सो मैं 11700 पे एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन रखता हूं एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। ऑन दी अपडेट मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ग्लेनमार्क, कैडिला, लूपिन, सिप्ला, विप्रो, आईजीएल, एमजीएल वो सारे दिए, वो सब अपने लॉन्गर टर्म टारगेट्स भी हिट हो गए, तो वहां बुक कीजिए। मदरसन सुमी और एनपीएफसी शॉर्ट किया था, वो भी हिट हो गया, वहां पे भी बुक कीजिए। जो अंडर परफॉर्मर्स हैं वो है मैकडॉवेल और डीएलएफ, बने रहिए, ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, डोंट गेट स्टॉप लॉस बिकॉज मैकडॉवेल इज सीइंग अ रेयर गार्ड एक्शन। इनफैक्ट द पेरेंट इज अपिंग इट्स स्टेक और डीएलएफ इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। अब आप कहें तो दो कॉल्स हैं, दोनों बाई की हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर बताएं। तो मेरा पहला पिक होएगा सर, टायर्स आर डूइंग वेरी वेल और आपने देखा बालकृष्णा एंड ऑटोज पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल बहुत अच्छा कर रही है। अपोलो टायर लीजिए 3531 में, 28.25 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। और दूसरा भी कोएगा जो मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए एंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस फार्म बिल, बिकॉज द फार्म बिल इज डूइंग अवे विद द मिडिल मैन, सो मार्जिन फॉर आईटीसी विल आर्ग्यूबली बी एट द बेस्ट। 78 रुपए का भाव है, 174.75 का स्टॉप लॉस रखिए, 195 का टारगेट। ओके तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। यहां पर अपोलो टायर में खरीदारी करें, 130.50-131 के आसपास आपको अपोलो टायर में खरीदारी करनी है। 128.25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 145 का टारगेट। आईटीसी में 178 रुपए पर खरीदारी कीजिए, 174.75 रुपए का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट आपका बनेगा 195 का। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए 10 की कमाई में एक और स्टॉक है जो हम लेंगे, नहीं जय से ले चुके हैं, जय का तो गुजरात पिपावाव था ही आज, और आज